सूबे को लॉकडाउन करने के बाद लोगों की परेशानी बढ़ी है और खासकर परेशानी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि यहाँ तक सब्जी मंडी में लोग कालाबाजारी का शिकार हो रहे हैं। लोगों की परेशानी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि 30 रुपया केजी और 40 रुपया केजी आलू और प्याज के दाम बेतहाशा वृद्धि किया गया है प्याज के दामों में, जिसको लेकर कालाबाजारी की सूचना मिलते ही कौनों कौन खबर फैली और लोग अपने घरों से निकले। और आप देख सकते हैं किस तरह से सब्जी मंडी में ये भीड़ इकट्ठी हो गई है। और हाल फिलहाल में ये जो कोरोना वायरस को लेकर सरकार के द्वारा निर्देश दिया गया था, आह्वान किया गया था जनता कर्फ्यू का, उसके बाद सुबह को लॉकडाउन किया गया था ताकि कोरोना वायरस पर रोक लगाम लगा सके, लेकिन कालाबाजारी के खबर मिलते ही लोग जो है कानो कान जब खबर मिली तो लोग अपने घर से निकले और आज सब्जी मंडी पहुंचे। और यहां पर जो कालाबाजारी है और खासकर ये भीड़ कहीं ना कहीं ये कोरोना वायरस को दावत दे रही है। कुछ लोग यहां जो कि आए हुए हैं उनसे बात करेंगे। सर क्या था, क्या लेने के लिए आए हुए थे? सर सब्जी हम लेने के लिए आए थे, आलू का 40 रुपया किलो बोल रहा है, 200 रुपया पसेरी बोल रहा है, प्याज जो 18-20 रुपया मिलता था वो सीधा 30 रुपया बोल रहा है, और सरसों के लिए देखिए 200 रुपया किलो दिया, ये देखिए आटा नहीं दे रहा है कोई भी दुकानदार, कह रहा है आटा नहीं है, सरसों पे 400 रुपया मांग रहा है, इसका बताइए क्या है। प्याज का क्या रेट चल रहा है? 30 रुपया रेट, और आए दिन 18-16। तो देख सकते हैं ये जो कालाबाजारी है, कालाबाजारी के साथ ये जो है कालाबाजारी, खास तौर पर कालाबाजारी के साथ जो ये भीड़ इकट्ठी की गई है, लोग आक्रोश है इसको। कल मैंने 20 रुपए किलो प्याज खरीदा, 40 रुपए किलो प्याज दे रहा है, ये नाइंसाफी है, कालाबाजारी साफ साफ ये लोग कर रहा है। 20 रुपया आटा, 16 रुपया आलू का, 40 रुपया आलू बेच रहा है, ये कालाबाजारी साहब। सर डीएम प्रशासन को ये होना चाहिए यहाँ कालाबाजारी को ब्लॉक करे, पब्लिक के नजायज फायदा उठा रहा है ये कोरोना वायरस के बचने के लिए। जो सरकार ने आज 12 बजे से कल लॉकडाउन हो जाएगा, पूरी तरह कर्फ्यू हो जाएगा, लोग भयानक हो गए हैं और लोग अपने घरों से निकल करके राशन जुटाने में लग गए हैं। क्या लेने आए थे? हम लोग आए थे आलू प्याज लेने, सौदा लेने, सब्जी वब्जी लेने आए थे, तो आलू लेने गए, 10 किलो आलू मांगा तो कहा इसकी 400 का होगा, और हम ले जाते थे 180 में 10 किलो आलू, और 16 रुपए प्याज ले, 80 रुपए पसेरी प्याज ले, प्याज का भी दाम 40 रुपए कर दी, कैसे लेंगे हम, गरीब आदमी कैसे खाएगा, बोलिए। बिल्कुल, आप 45 रुपया चीनी बोल रहा है, ये पहली बार हम लाइव में खरीद रहे हैं, 150 रुपए ये पसेरी, 7 किलो का 210 रुपया ली, ये पैसा देखिए कितना पैसा लिया। तो बिल्कुल ये जो है लोगों में खास करके ये अफवाह, ये युवा है, इधर देखा सकते हैं जो युवा है, इन लोगों की मांग है कि इस कालाबाजारी पर लगाम लगा जाए, ये सब आक्रोश। भैया जो आलू 20 रुपए किलो मिल रहे थे वो आज 40 रुपए किलो मिल रहे, हमसे बस निवेदन है कि जो भी हो रहा बहुत अच्छे किलो हो रहा, ब्लैक बाजारी बस रोका जाए भैया, हम लोग ऐसी है ब्लैक बाजारी रोका जाए। 40 रुपए किलो लिया सर, प्याज 20 रुपए किलो था पहले, अभी 40 रुपए किलो है, आलू 40 रुपए किलो लिया सर, और सरकार नहीं बोला पब्लिक को, फिर भी पब्लिक ब्लैक कर रही है, कह रही है कि आपको सब साधन मिलेगा तो फिर ये कालाबाजारी क्यों हो रही है? सरकार से मेरी ये महंगा नहीं हुआ, सरकार रकबे को अलर्ट कर दिया है ना, इसीलिए पब्लिक लोग ज्यादा दरियम हो गया है, महंगा नहीं हुआ है सामान, ठीक है, सरकार रकबे को अलर्ट कर दिया है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा कस्टमर जो है खरीद के रखे। आप दुकानदार? जी सर। आलू कैसे दे रहे? आलू 30 रुपए किलो है, और प्याज? प्याज 40 रुपए। दुकानदार का कहना है कि सरकार ऐसे, हम लोग सारे भूखे मर जाएंगे, मंजूर है, खासकर लोगों में लोग काफी आगा नहीं हुआ है, सरकार अलर्ट कर दिया है, इसी कारण कस्टमर ज्यादा से ज्यादा, बिजली बंद कर दी गई है दुकानदार के तरफ, जब मीडिया कर्मी यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ की लाइटें जो है वो बुझा दी गई है, और खासकर लोगों का शोषण किया जा रहा है, और इस कालाबाजारी से जहाँ पर मजदूर किस्म के जो लोग हैं वो उनके ऊपर ये कुछ कहना चाह रही है। सर हम है ना आलू प्याज लेने आए थे तो मेरा कुछ नहीं मिला अभी तक, हम 2 घंटे से बाजार में, अभी तक मेरा कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ से कुछ नहीं मिला, 40 रुपए 50 रुपए 60 रुपए। काफी जो लोग यहाँ पर खरीद
खरीदारी के लिए आए थे वो आक्रोश है। इनकी मांग है कि इस कालाबाजारी पर रोक लगाई जाए। और ये जो है हम दिखाना चाहेंगे कि दुकानदार जो है लाइट को बंद कर दिया गया है। जब मीडिया कर्मी यहाँ पर पहुंचे तो उसके बाद जो है दुकानदार के द्वारा काफी आक्रोश है, लोगों में काफी आक्रोश है, लोग काफी आक्रोशित है इस कालाबाजारी को लेकर। और खासकर जब कालाबाजारी की खबर मिली तो उसके बाद यहाँ पर हर चीज का रेट बढ़ा के पूरे मार्केट में लिया जा रहा है। 20 का सामान 40 बिक रहा है। सर गलत है, ये नहीं होना चाहिए। 30 का सामान डायरेक्ट 50। देखो वहाँ महंगा मिल रहा है, जिस चीज को लेगा महंगा, 10 रुपए चीज को 50 मिल रहा है यहाँ पे। ये हो रहा था तो किस तरह लेगा लोग? क्या बोल रहे थे? कर्फ्यू ने लगे पूरा कमाई का धंधा हो गया एक तरफ से। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ये लोग तो ऐसे ही भूखा मर जाएगा। अभी मीडियम क्लास का आदमी लोग का ये हाल है, गरीब का क्या हाल होगा। तो ये भागलपुर का जो है स्टेशन चौक के समीप जो है स्टेशन के समीप जो सब्जी मंडी है उसमें जो है लोग काफी आक्रोशित है। उनका कहना है की यहाँ पर जो है कालाबाजारी हो रही है। और साफ तौर पर यहाँ पर जो 15 रुपया केजी मिलने वाला आलू था उसको 30 कर दिया गया है। प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है। और खासकर देख सकते हैं कि इस काला कर जी वो सुबह से बिक रहा है वो अभी बिक रहा है। लेकिन लोगों का कहना है कि बढ़ा दिया गया। नहीं, जो सुबह से बिक रहा है वही बढ़ रहा है। बिल्कुल हो गया है। अभी अभी लिए सारे चीज में हो गया है बढ़ोतरी। आलू में भी दाम बढ़ गया, प्याज का भी दाम बढ़ गया। तो दुकानदार का कहना कि नहीं, लेकिन कस्टमर का कहना है कि दामों में बढ़ोतरी की गई। लिए अभी जस्ट अभी आलू कैसे लिए? आलू लिए 30 रुपए की, प्याज लिए 40 रुपए की जी। उधर दिखाइए। और ये जो लोग हैं ये दाम में बढ़ोतरी बेतहाशा बढ़ोतरी के बाद ये आक्रोशित हो गए हैं। और इनका जो है जी किसी भी सामान जी राम सलाम सर लिया जा रहा है। और इसके लिए प्रशासन से ये खुले आम ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। 20 रुपए का आलू, 40 आलू बहुत महंगा बेच रहा है, 40 रुपए किलो प्याज, आलू बहुत ज्यादा महंगा है, इसको कम करवाएगा। महंगा बोलना गलत हो रहा है, बहुत गलत कर रहे हैं लोग, कर रहे हैं इतना दाम। गरीब आदमी कहाँ जाएगा, मर ही जाएगा। आलू कैसे कहाँ जाएगा गरीब आदमी? 200 रुपया सरासर ये लूट है, ये लूट है। पैसा वापस करवा दीजिए। हम लोग सुनिए, 4 दिन से हो गया आलू से मेरा 80 रुपया की 80 रुपया पसेरी मिल रहा था, अभी 150 कर दिया, फिर बाद में 1000 कर देगा। कहाँ जाएगा गरीब लोग? हमारे पास रोजगार नहीं, हमारा काम बंद हो चुका। हम रोज मजदूर 15 का टमाटर 30 में दिया है, 15 का टमाटर 30 रुपए केजी दिया है। ये सरासर गलत हो रहा है जनता के साथ। 80 रुपए लेकर ये गुलबक बना रहे हैं एक दूसरे दुकानदार से। 500 रुपए का सब्जी है। अब बताइए कि बेरोजगार कितना हो गया। 500 रुपए का इनका सब्जी है। और ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना महंगा कर दिया गया है। कालाबाजारी अपने चरम सीमा पर है। खासतौर जब कालाबाजारी की खबर लोगों को मिली तो लोग सरपट बजा रहे हैं जहाँ सब्जी मंडी आए। और यहाँ पर जो है दामों में बेतहाशा वृद्धि कर देने के बाद लोग काफी आक्रोशित हो गए हैं। लोगों की मांग है कि इस कला ये देखिए इनका जो सब्जी है कितने का है सर? ये 30 रुपए किलो दे रहा है टमाटर, जो 15 रुपए किलो बिकता था। तो ये 30 रुपए केजी जो है टमाटर बिक रहा है, जो अंधी ने 10 रुपए केजी मिलता था। तो इसको लेकर हालांकि दुकानदार जो है वो लाइटें ऑफ कर दी गई है यहाँ पर मीडिया कर्मी को देखते हुए। उनको उनसे सर कैसे आलू कैसे आलू देखिए सर आलू आज हम लोग थोक में 25 रुपए बोरा खरीदे हैं, 25 रुपए कुंटल, इसी वजह से महंगा। बेच कैसे रहे हम लोग? अभी 30 रुपए 40 रुपए बेच रहे हैं सर। प्याज प्याज 50 लेगा अभी हम लोग 40 रुपए बिल भेज रहे हैं। कालाबाजारी है ये चरम सीमा पर है। लोग आक्रोशित हैं, लोगों की मांग है कि इस कालाबाजारी पर रोक लगाया जाए। और मैं भी चाहूंगा कि भागलपुर के प्रशासन से मेरी आग्रह है, विनती है कि यहाँ पर जो है इस कालाबाजारी पर रोक लगाया जाए। काफी लोग सब्जी मंडी में आक्रोशित हैं, खासकर जिस तरह से हमारे देश में कोरोना वायरस को लेकर कहर है, कोरोना वायरस को देखते हुए इस जगह भीड़ इकट्ठी हो गई है। और सब्जी मंडी में इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई है कि जिससे कि कोरोना का खतरा
ज्यादा बढ़ गया है। तो और लोग इतने ज्यादा इकट्ठे हो गए हैं, दुकानदार जो है आप देख सकते हैं किस तरह से लाइट बंद करके काला बाजारी कर रहे हैं। चावल हो, आटा हो, दाल हो, चीनी हो, कोई सा ऐसा वस्तु नहीं जो हमारा रोजमर्रा का आइटम है जिसमें दुकानदार अनाप साफ लेट ले रहा है। चाहे साग सब्जी क्यों नहीं हो, हर चीज का दाम डबल ले रहा है। इसके लिए प्रशासन ध्यान दे। बोलना यह है कि पूरा खुली लूट हो रही है, लूट का जिसका कहा जाता है कि एकदम पूरे तरीके से खुल करके लूट हो रहा, हर चीज में ब्लैक मार्केटिंग हो रहा, ये गलत है, गलत है, गलत है। बिल्कुल, मैं भी चाहूंगा भागलपुर प्रशासन जितना जल्द इस पर कार्रवाई करे क्योंकि लोग काफी आक्रोशित हैं और खासकर इस जगह पर इतनी ज्यादा भीड़ हो गई है कि कोरोना को लेकर ये जगह बिल्कुल असुरक्षित है और इससे जो है खतरा बढ़ सकता है। मेरा नाम विकास कुमार सिंह है और कैमरा के पीछे सुमित राज मौजूद है। आप सिल्क टीवी पर हमें देख रहे हैं।